ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लीजिए, सजा दीजिए हमें जोधा बेगम। कितने कोड़े मारे हम आपको इससे? जितने आप चाहें। जब तक आपके दिल से हमारे लिए मलाल खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप हमें सजा नहीं देती, आप जितने चाहें आप हमें कोड़े मार सकती हैं। खुदा कसम हम मुफ्त तक नहीं करेंगे। यदि ऐसा है तो पहले दंड के अधिकारी हम हैं शहंशाह, और आप हमें दंड दीजिए शहंशाह। नहीं जोधा बेगम, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, गुनहगार हम हैं। नहीं शहंशाह, हमने अपराध किया है। आपने वो कहा जो देखा जो समझा, परंतु भूल हमने की कि आपके सामने सच्चाई को आने ही नहीं दिया। आपसे सच छिपाया हमने। हमने भूल की कि आप लगातार पश्चाताप करते रहे और हम अपनी अहंकार की चादर को ओढ़कर बैठे रहे। हमने बहुत बड़ा पाप किया है कि हमारे पति हमारे सामने घुटने टेक कर हमसे क्षमा मांगते रहे और हमने सर उठाकर आपकी ओर देखा तक नहीं। हम अपराधी हैं। हमने अपनी हठ के कारण उन सब का हृदय दुखाया है जो हृदय से हमें अपना मानते हैं। हमने हमें जान को बहुत दुखी किया। सलीमा बेगम, उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई, और रहीम, वो तो छोटा सा बालक है, हमने उसे भी पीड़ा पहुंचाई है शहंशाह। इसलिए आपसे बड़े अपराधी हम हैं। हमें दंड मिलना चाहिए, दीजिए हमें। नहीं जोधा बेगम, हम हैं गुनहगार। वो हम ही थे जिसने आपको आगरा से जाने का हुक्म दिया। वो हम ही थे जिसकी वजह से सबको दुख पहुंचा है। नहीं एक अच्छे शौहर बन पाए और नहीं एक अच्छे शहंशाह। माफ कर दीजिए हमें, सजा दीजिए हमें, माफ कर दीजिए। नहीं शहंशाह, एक पति अपने पत्नी के सामने झुके ये उचित नहीं, और एक शहंशाह अपनी बेगम के सामने ये तो बिल्कुल भी नहीं। और सच कहे हम तो आपको कब से क्षमा कर चुके हैं, नहीं कर पाए तो स्वयं अपने आप को। शहंशाह, हम यहां पर इसलिए नहीं लौटे क्योंकि आपने हिंदुओं पर से तीर्थकर हटा दिया, ना ही इसलिए लौटे हैं कि आपने शिवानी और तेजवंत को क्षमा कर दिया। हम यहां पर इसलिए लौटे हैं क्योंकि जिसे हम अपने सामने देख रहे हैं उस शहंशाह को हम हमेशा देखना चाहते थे, जिसके पास हृदय हो, दया हो, अपनों के प्रति प्रेम और स्नेह हो। हम यहाँ पर इसलिए लौटे हैं क्योंकि हमारा प्रण पूरा हो गया। हम इसलिए वापस आए हैं क्योंकि जो व्यक्ति हमारे सामने है वो सबसे अच्छे मनुष्य और सबसे अच्छे शहंशाह है। हमें गर्व है आप पर, गर्व है कि हम आपकी पत्नी हैं। क्या हुआ जोधा बेगम? पता नहीं शहंशाह, शायद हवा के वेग से एक दिन का हमारी आंख में चला गया है। लाइए हम निकाल लेते हैं।
चौदह बेगम, हमारे रहते जलाल के इतने करीब आकर आपने ठीक नहीं किया। या अल्लाह, बेगम एक खास बेहोश हो गई। ये शोर क्या समझ रहा है? रुकिया बेगम, रुकिया बेगम, रुकिया बेगम, क्या हुआ ने? पता नहीं शहनशाह, अभी अभी दुरुस्त थी, चलते चलते अचानक गिर गई। पर नकीम साहब को बुलाया जाए। रुकिया बेगम, आंखें खोलिए रुकिया बेगम, न जाने कैसे अचानक चक्कर खा के गिर गई। लगता है बहुत अधिक तनाव में होंगी या फिर थकी हुई होंगी। हो सकता है, पानी देना। जलाल, हम क्या हुआ हमें? कुछ नहीं, आप बस चक्कर खाकर गिर गई। आदाब शहनशाह, क्या हुआ बेगम साहिबा को? बस चलते चलते गश खाकर गिर गई। आपने नाहक हकीमा साहिबा को तकलीफ दी, हम बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये बताएंगी कि आप दुरुस्त हैं या नहीं? दुरुस्त लोग इस तरह से गश खाकर नहीं गिरते हैं। आप लेटी रहिए, लेटी रहिए। नब्ज तो ठीक है शहनशाह, और कोई बड़ी शिकायत वाली बात भी नहीं है। हाँ, पर थोड़ी कमजोरी हो सकती है। ये लीजिए, अर्क पी लीजिए। लगता है पिछले कुछ दिनों से आप अपनी खुराक पर ध्यान नहीं दे रही हैं। हाँ, हमें थोड़े दिनों से भूख कम लग रही है। सुभान अल्लाह, एक तो पहले ही आपकी खुराक चिड़ियों जैसी है, ऊपर से आपको भूख भी नहीं लग रही है। हम अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे। हमें उम्मीद है कि बेगम साहिबा जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और हम रोज सुबह आके इन्हें जांच लिया करेंगे। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जी, अपना ख्याल रखिएगा बेगम साहिबा। जी, खुदा हाफिज शहनशाह। आप ठीक शहनशाह? हम अपने खाबगा में जाना चाहते हैं। रुकिए बेगम, इस वक्त आपकी तबीयत नासाज है, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। यहाँ तो मिलना ही चाहिए, यहाँ तो मिल जाएगा। अरे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? वो मैं क्या? तुम यहाँ कर क्या रही हो? हम क्या पूछ रहे हैं? वो मैं जोधा बेगम। बेगम जोधा? अच्छा, तो बेगम जोधा की बांदी हो तुम। हाँ, क्या ढूंढ रही थी तुम संदूक में? जवाब दो। मुझे लगा जोधा बेगम की कृष्ण की मूर्ति।
इस संदूक में होगी। ये तुम्हारी बेगम जोधा का होजरा नहीं है, यह हमारा होजरा है। और जो चीज भी तुम ढूंढ रही हो ना, बेगम जोधा के होजरे में पाई जाती है, यहाँ नहीं। लेकिन सारे होजरे तो एक जैसे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि चुप! बदतमीज, तुम जानती हो किससे मुखातिब हो रही हो तुम? मुगल सल्तनत की वजीर आलिया है हम, और हमारे होजरे में हमारी इजाजत के बगैर ताक छाक करना गुनाह है, अजीम है, और इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। आज अभी इसी वक्त सजा देंगे हम तुम्हें। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हम शहनाज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये वजीर आलिया का होजरा है, हमारे शौहर की अम्मी जान है। जाविदा, क्या आप इन्हें जानती हैं? ये बेगम जोधा के साथ है। बेगम जोधा के साथ आमिर से आने के बाद अपनी बांदियों को हमारी जासूसी के लिए भेज दिया है बेगम जोधा ने। इतनी हिमाकत उनकी? जी नहीं अम्मी जान, आप अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइए। वो क्या है कि दरअसल शहनाज ना थोड़ी, वो क्या है कि ये थोड़ी पागल है, तो कहीं भी कुछ भी करती रहती है। तो संभालो इसे और इसे समझा देना बड़े प्यार से, आइंदा हमारे हुजूर में पेश होने की हिमाकत ना करे ये। जी 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 अम्मी जान, हम समझाते हैं ना, हम समझाएंगे। चलो 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 चलो, यहाँ आने की गलती मत करना। या अल्लाह, हमने क्या गुनाह किया कि सारे पागल हमारी किस्मत में लिख दिया आपने? एक तो हमारी बहू जाविदा, दूसरी ये बेगम जोधा की बांदी है, और एक वो जिसके खामोशी ने हमें पागल कर दिया है। अब आप यहां आराम फरमाएं, ध्यान से सुनना, इनकी तीमारदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इन्हें हर दो घंटों में फलों का रस देते रहना, और हकीम साहिबा का दिया हुआ अर्क इन्हें वक्त वक्त पर पिलाते रहना। इन्हें सेहतमंद खाने की जरूरत है तो उन्हें वही देना। अब रहने दीजिए शहंशाह, हम इतने भी बीमार नहीं कि इन सबको हिदायत दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। अब आप हमसे वादा करें कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी। आप हमें हुक्म दे रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो हम आपसे इल्तिजा करें, लेकिन अगर आप तब भी नहीं मानेंगे तो यह हमारा शाही फरमान होगा। ध्यान देना, अगर अपनी दवाई लेने में जरा भी आनाकानी करती हैं, तो बेझिझक हमारे पास शिकायत लेकर आना। अब आप यहां आराम फरमाएं, हमें कुछ सियासी मुद्दों पर गौर फरमाना है। और हम तुम्हारे पास इसी उम्मीद से आए कि हमें अपने सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन नहीं। जितनी बार हम तुम्हारे पास आए उतनी ही बार तुमने हमें ना उम्मीद कर दिया, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब हमारे सब्र का पैमाना छलक चुका है। अब तक तुम्हें लग रहा था कि हम तुम्हें खोखली धमकियां दे रहे हैं, बस वो शायद इसलिए क्योंकि अब तक तुमने हमारा वो पहलू नहीं देखा जिसे देखने के बाद शैतान भी माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। शायद तुम्हें अब नमूना दिखाना ही पड़ेगा। चिल्लाओ, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ,
और देखो अपनी आंखों से कि हम किस हद तक जा सकते हैं। देखो यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगली बार हम जब यहां आएंगे तो यहां से वो राज लेकर ही वापस जाएंगे, याद रखना। ओम भूर्भुवसुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवसुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खाने खाना, आप इतनी ध्यान से क्या देख रहे हैं? टेंशन ने कोई गलती नहीं की। मतलब हम कुछ समझे नहीं? टेंशन ने सब कुछ वैसे ही किया जैसे आपने अभी किया, वैसे ही पूजा की और वैसे भी मंत्र पढ़े। रहीम, आप क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट कहिए ना। ओ छोटी मितान, आप समझ ही नहीं रहे हैं। जब आप यहाँ नहीं थे ना, तब शंशा खुद तुलसी के पौधे को पानी देते थे, तभी तो इतने गर्मी में हो जाए नहीं। रहीम, क्या सच में शंशा ने ऐसा किया? हाँ, एक बार नहीं, हर रोज। आप यहाँ नहीं थी ना, तो आपकी हर चीज की देखभाल करते थे वो। विश्वास नहीं होता, शंशा ने स्वयं तुलसी माँ की पूजा की। ये सोचते हैं ना, शंशा ने ये सब कैसे किया? दिखने में तो थोड़े अकरू है, मगर हर काम आपके पसंद का ही करते हैं। रहीम, बड़ों को ऐसा नहीं कहते हैं, समझे? ठीक है, नहीं कहेंगे, पर आज के आप हमें प्रश्न नहीं देगी। पहले आरती लो, अब ये लो प्रसाद। हमें पता है, अब आप शंशा को प्रसाद देने जाएंगे, लेकिन उनसे कहना मत कि हमने उनको अकड़ू कहा है। ठीक है, नहीं बताएंगे, बस चलते हैं। छोटी मिजान, आदाब।